नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप की रेस में शामिल हुए बाबा रामदेव। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल के 13वें सीजन में मुख्य प्रायोजक वीवो के हट जाने के बाद से बीसीसीआई नए स्पॉन्सर की खोज में है। खबरों की माने तो योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगा सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक पतंजलि के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हम पतंजलि को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं और इसी वजह से हम आईपीएल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि पतंजलि एक ग्लोबल ब्रांड नहीं है। अगर वह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनता है उसे जरूर फायदा होगा, लेकिन आईपीएल को इसका फायदा नहीं होगा। वीवो के जाने के बाद से आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप में जियो, अमेजॉन, टाटा ग्रुप, ड्रीम इलेवन और बायजू जैसी कंपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। बीसीसीआई आईपीएल 13 के नए प्रायोजक के लिए पूरी पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन करेगी। बीसीसीआई जल्द ही आईटीबी निकालने वाली है। स्पॉन्सर चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया पालन किया जाएगा क्योंकि बोर्ड पारदर्शिता चाहता है। इनविटेशन बीड के तहत नीलामी जीतने वाले को यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन का प्रायोजक नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूं।